भाई राजू को पकड़ लिया है। उसे बाइज्जत हमारे पास लाया जाए। ठीक है भाई, मैं उसको अभी आपके पास लेके आता हूँ। तुझे पता है तू जिंदा वापस क्यों आया? किसके कहने पर? मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं तुझे भी अपने ही हाथों से मारूं। एक छोटी सी गोली से नहीं मरना है तुझे राजू। मैं तुझे खून के तालाब में तैराऊंगा। इमरान भाई से पंगा लिया है तूने, उसका अफसोस तो होना ही चाहिए ना। जानता है तेरे दोस्त को किससे मारा था? इससे। मौत तेरे सर पर खेल रही है और तेरी हंसी छूट रही है। मेरी मौत या तेरी? तू गेम प्लान बदल सकता है तो मैं तो तेरा बाप हूं। इमरान भाई के कहने पर मुझे किडनैप किया है ना? अगर मैं भाग गया तो इमरान भाई तुम लोगों को जिंदा छोड़ेंगे? चुप है, पागल हो गया क्या तू? तू यहाँ चार लोगों की बंदूक की नोक पर बैठा हुआ है और तू सोच रहा है कि तू आसानी से भाग जाएगा? मौत के दरवाजे से तुम्हारे हाथों मरने नहीं है। मैं खुद एक किडनैपिंग स्पेशलिस्ट हूँ, तो मुझे किडनैप करने वाले तुम कौन हो? तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें किडनैप किया है। इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये बहुत चालू चीज है। तुम सब मेरे कब्जे में हो। धंधे की बात करें, कितने सालों से इमरान के यहाँ काम कर रहे हो? क्या किया है उसने तुम लोगों के लिए? लेकिन फिलहाल अगर तुम लोग अपनी ये गन मुझसे थोड़ी सी दूर हटा दो, बस थोड़ी सी दूर, तो 10 मिनट के इस सफर में मैं तुम्हारी लाइफ 10 साल आगे बढ़ा सकता हूं। कौन हो तुम? इमरान के लिए क्या? अरबी लोगों का गोल्ड स्मगल करके इमरान को देते हैं, पुलिस के कुछ लोगों से हाथ मिलाकर गोल्ड यहां बेचते हैं। तुम्हारे पास मैन पावर है, इसीलिए उसने तुम्हें अपने पास रखा है। मैं तुम लोगों की काबिलियत जानता हूं, मगर तुम खुद नहीं जानते। मुझे सिर्फ इमरान चाहिए, हर कीमत पर। मैं उस तक पहुंचता रहूंगा। इमरान के बिना ये मुंबई होगी तुम चारों की। मैं तुम्हें 100-100 करोड़ का मालिक बना सकता हूं। सोचो कैसा होगा? सोच के तो देखो। हीरे को सिर्फ हीरा काट सकता है, आग को सिर्फ आग बुझा सकती है, गद्दार को गद्दा ही मारती है। और ये सब मैंने तुझसे ही सीखा है। एक छोटी सी गोली से नहीं मारना है तुझे, खून के तालाब में तैरा कर मारूंगा। इसी से वार किया था ना चंदू पर? तुझे भी Thank you.
जो अपने मालिक के ना हो सके वो मेरे क्या होंगे।